जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर वन की आंसर की को लेकर क्या अपडेट है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिंक जो है वो जनरेट कर दिया गया था आप लोगों का 2 दिन पहले ही, जो आपके आंसर की आने वाली है टीयर वन के लिए, है ना। यहाँ पर अगर आप जो है इस लिंक पर जो है अपना आईडी और पासवर्ड आप मेंशन करते हैं तो आप लोगों की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर जो है शो हो रही है ना, कि आप लोगों की जो है एग्ज़ाम कब क्या हुई थी, सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रही है। लेकिन आप लोगों के लिए लिंक जो है अभी एक्टिव नहीं किया गया है। तो कब तक यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा एसएससी सीएचएसएल की आंसर की, कब से आप देख पाओगे, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आप हायर डिग्री करना चाहते हैं तो आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जी हाँ, ये ऑनलाइन मोड पर आप लोगों को ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करवाती है। यहाँ से आप जो है MBA, MCOM, MCA या MA अलग अलग जो है सब्जेक्ट में, BBA, BCOM, BA ये सभी कोर्स जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लाइव मास्टर क्लास जो कि एक्सपर्ट द्वारा अवेलेबल हो जाएगी, साथ में एक्सेस मिलेगा आपको ई बुक्स का, स्टडी गाइड्स का, साथ में पॉकेट जो है फ्रेंडली EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। मतलब आप EMI पे भी जो है यहाँ पर जो अपनी पेमेंट है वो कर सकते हैं। और सभी डिग्री कोर्स जो है आपको कम से कम प्राइस में अवेलेबल है और अभी आप लोगों के लिए एडमिशन ओपन है। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में हायर डिग्री लेना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप जो है सिंपल सा एक फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो वो आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे और फिर आप जो है अपने अनुसार जो डिग्री आप लेना चाहते हैं उसकी जानकारी जो है आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस डिटेल को यहाँ पर फिल करते हैं, जैसे कि आपके ID और पासवर्ड, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आप लोगों का पासवर्ड, ठीक है, वो यहाँ पर आप जैसे ही डालते हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर आपकी डिटेल शो होने लगेगी, जो कि SSC CHSL के लिए लिंक एक्टिव किया गया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें नोट्स में निर्देश दिए हुए हैं, जैसे कि आपके आंसर की में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो है रोल नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन जो है नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर जो है आपके एग्ज़ाम का नेम यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आपका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कब ये लिंक एक्टिव होगा, कब से जो है यहाँ पर, जैसा कि आप देखेंगे साइड में आप लोगों को जो है एक ऑप्शन देता है, ठीक है, यहाँ पर साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को लिंक दिया जाता है क्लिक हेयर, जो आपके आंसर की का होता है। तो यहाँ पर कब तक लिंक एक्टिव होगा, तो अभी 2 दिन आपकी 11 तारीख को जो है एग्ज़ाम इसकी ख़त्म हुई है और आंसर की अगर बात करते हैं तो काफ़ी जल्दी जो अपडेट है वो यहाँ पर SSC के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे आंसर की को होकर या फिर रिजल्ट को लेकर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आज शाम को 5 बजे आप लोगों को जो है ये लिंक एक्टिव दिखे, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की 5 बजे जो है लिंक एक्टिव हो सकता है आपके आंसर की के लिए, या फिर जो है कल मैंने मंडे को ये लिंक जो है 100% एक्टिव हो जाएगा। चांसेस तो है कि आज हो जाए, वैसे भी जो है संडे सैटरडे ऐसा कुछ नहीं रहता है SSC में, है ना, लिंक कभी भी एक्टिव होकर जो है आपके आंसर की या रिजल्ट है वो आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वेट कीजिएगा, अगर अपडेट आती है तो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।